गांधी ने तेजस्वी यादव के साथ एक वीडियो शेयर किया है जिसमें दोनों चुनावी चकल्लस कर रहे हैं। ये वीडियो हम आपको दिखाते हैं। नर्वस है तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, है ना, यूपी में और बिहार में। ये बहुत आसान नहीं रह रहा, लोग काम देखना चाहते हैं। 10 साल मौका दिया, कुछ नहीं किया बिहार के, तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। बट नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली और बिना सोचे समझे बोलते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपने नोटिस किया कि इनका जो नॉर्मल कैंपेनिंग होता है वो जो चल नहीं रहा है बिल्कुल, और हमारी बात बोल रहे हैं वो। बिहार में कोई करेंट वेव कुछ नहीं है उनका, ना भीड़ होती है ना कुछ होता है, अब लोग ऊब चुके हैं, क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट। ये जो कह रहे हैं कि मैं भगवान का काम करता हूँ, ये नर्वसनेस है। तो बिहार के चुनाव में आपको क्या लग रहा है? शुरू से मैं कहता रहा चौंकाने वाला रिजल्ट आएगा, है ना, यूपी में और बिहार में। ये बहुत आसान नहीं रह रहा, लोग काम देखना चाहते हैं। 10 साल मौका दिया, कुछ नहीं किया बिहार के, तो पीपल समझ चुके हैं कि मोदी जी झूठ बोल रहे हैं। बट नॉन स्टॉप झूठ बोलते हैं, नेचुरली, बिल्कुल बिना झिझक के, कंफर्टेबली और बिना सोचे समझे बोलते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। बट आपने नोटिस किया कि इनका जो नॉर्मल कैंपेनिंग होता है वो जो चल नहीं रहा है बिल्कुल, और हमारी बात बोल रहे हैं वो। बिहार में कोई करेंट वेव कुछ नहीं है उनका, ना भीड़ होती है ना कुछ होता है, अब लोग ऊब चुके हैं, क्रेडिबिलिटी चली गई पूरी। देश की जनता मोदी जी को भगा रही है फटाफट फटाफट फटाफट। 1 जून को लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण है जिसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनाव प्रचार कर रही हैं। आखिरी चरण में कांग्रेस ने अग्निवीर योजना को चुनावी मुद्दा बना दिया है। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के पहले अग्निवीर स्कीम पर सबसे बड़ी बहस शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने दावा किया कि अगर इंडिया की सरकार बनी तो सबसे पहले अग्निवीर योजना को खत्म किया जाएगा। अग्निवीर में पता है क्या किया इन्होंने? इन्होंने हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाया है। हम अग्निवीर को कैंसिल करेंगे और जैसे पहले हुआ करता था वैसे करेंगे। ये सच्चाई है अग्निवीर की। हिंदुस्तान का हर एक युवा जानता है कि अग्निवीर का मतलब हिंदुस्तान के जवानों को मजदूर बनाना है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद सियासी बवाल शुरू हो गया। बीजेपी ने राहुल गांधी को पहले सेना में काम करने और फिर बयानबाजी करने की सलाह दी है। अग्निवीर हो सकता है ना, वो खुद कुछ काम करके खा सकते हैं, वो माँ का ऊपर एक बोझ है। इसीलिए भारत का लोग राहुल गांधी को कुछ मौका देने वाला नहीं है। हिमाचल में गया, झूठ बोल के सरकार बनाया, कुछ नहीं किया। झूठ बोलने का अगर सरदार कोई है वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी को मैं एक छोटी सी सलाह देता हूँ, फौज में आके नौकरी करो, उसके बाद ये सब कुछ बोलना। बिना नौकरी किए बिना फौज को जाने बोलना उचित नहीं है, और वो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं उसको टिप्पणी करने का कोई फायदा नहीं। समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि अग्निवीर योजना में शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, जिस पर अनुराग ठाकुर ने आपत्ति जाहिर की। ये जो अग्निवीर व्यवस्था है ये ऐसी व्यवस्था है जिसमें न केवल शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा आपको, न शहीद का दर्जा है न आपको तमाम सुविधाएं मिलेंगी। ये सब केवल अपने स्वार्थ के लिए ये व्यवस्था बनाई है। कांग्रेस ने पहले सेना को खत्म करने का प्रयास किया, रक्षा दलाली खाई, रक्षा सौदों में दलाली खाई, ना हथियार खरीदे बाद में और ना ही बाकी बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदी। तो सवाल ये खड़ा होता है कि कांग्रेस ने देश की सेना को कमज़ोर करने का हर बार प्रयास किया, सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, और सेना को आगे बढ़ने और मजबूत करने की बजाय ये चीन के अधिकारियों के साथ बंद कमरे में गुफ्तगू कर रहे थे। विपक्ष अग्निवीर योजना को लगातार मुद्दा बना रहा है।